यीशु के अजीम और बाबरकत नाम में आप सबों की सलामती हो। मेरा नाम जोशुआ साइमन है और मैं PJEFC उर्दू सर्विस में खुदा की खिदमत सर अंजाम देता हूँ। अजीजों, मुझे बेहद खुशी है कि इन ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स के जरिए से हम आपकी खिदमत में इबादत का ये सिलसिला लेकर हाजिर हो सके हैं। आए हम लोग अपने दिलों को और जहनों को खुदा की इबादत के लिए तैयार करें। मसीह यीशु में हमारे प्यारे और जिंदा आसमानी बाप, हम दिल की गहराइयों से तेरा शुक्र और तेरी तारीफ करते हैं खुदावंद, इस खूबसूरत वक्त के लिए, इस सब्बत के दिन के लिए जो तूने बख्शा कि हम तेरी पाक हुजूरी में आ सकें और खुदावंद तेरा शुक्र कर सकें। दुआ करते हैं प्यारे बाप कि सारे वक्त में तू हमारे साथ हो। हमारा तेरी हुजूरी में बैठना, गीत गाना, कलाम पढ़ना और सुनना खुदावंद तुझे पसंद आए। प्यारे बाप, हमारी दुआओं पर तेरे कान लगे रहें और खुदावंद जितने लोग इस वक्त तेरी हुजूरी में बैठे हैं और इस ऑनलाइन इबादत में शरीक हैं, खुदावंद तेरी खास बरकत उन सबों के साथ होती रहे। मसीह यीशु में खुदावंद तू हमारी इस दुआ को सुन और कबूल फरमा, क्योंकि मैं ये सब कुछ तेरे प्यारे बेटे हमारे मुनजी खुदावंद यीशु मसीह के वसीला से मांगता और पा लेता हूँ, आमीन। अजीजो, आए हम इबादत के शुरू में अपनी रहनुमाई के लिए जबूर 100 की तलावत करेंगे। खुदावंद के पाक और जिंदगी बख्श कलाम में कुछ यूं लिखा है, आए अहले जमीन, सब खुदावंद के हुजूर खुशी का नारा मारो, खुशी से खुदावंद की इबादत करो, गाते हुए उसके हुजूर हाजिर हो, जान रखो कि खुदावंद ही खुदा है, उसी ने हमको बनाया और हम उसी के हैं, हम उसके लोग और उसकी चरागाह की भेड़े हैं, शुक्रगुजारी करते हुए उसके फाटकों में और हम्द करते हुए उसकी बारगाहों में दाखिल हो, उसका शुक्र करो और उसके नाम को मुबारक दो, क्योंकि खुदावंद भला है, उसकी शफकत अबदी है और उसकी वफादारी पुश्त दर पुश्त रहती है, आमीन। अजीजों, आए हम खुदावंद की हम्द और सदाइश में भरपूर तरीके से हिस्सा लें और मैं आप सबसे दरख्वास्त करूंगा कि क्वायर के साथ मिलकर पूरे जोश के साथ खुदावंद की प्रस्तुति करें। मैं
रसूलों का अकीदा। मैं ईमान रखती हूँ खुदा कादर मतलब बाप पर, जिसने आसमान और ज़मीन को पैदा किया, और उसके इकलौते बेटे हमारे खुदा यीशु मसीह पर, जो रूह कुद्स की कुद्स से पेट में पड़ा, कुमारी मरियम से पैदा हुआ, पैंतूस पिलातूस की हुकूमत में दुख उठाया, मसलूब हुआ, मर गया और दफन हुआ, आलम अरवा में उतर गया, तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठा, आसमान पर चढ़ गया और खुदा कादर मुतलक की दाहिनी तरफ बैठा है, जहाँ से वो जिंदों और मुर्दों की अदालत करने को आएगा। मैं ईमान रखती हूँ रूल कुद्स पर, पाक कुलिया कलीसिया पर, मकदसों की रफाकत, गुनाहों की मुआफ़ी, जिस्म के जी उठने और हमेशा की जिंदगी पर। आमीन। खुदावंद का बहुत शुक्र के जो बहुत से लोगों की जिंदगियों में वो काम करता है और उस काम को कई जगहों पर देखा गया और उसकी गवाही हम बहुत सी जिंदगियों के वसीले से सुनते हैं। आज हम आपकी मुलाकात एक ऐसी शख्सियत से करवाना चाहते हैं जो मसीह में आने से पहले एक ऐसी लाइन से उनका ताल्लुक था जो बाइबल के मुताबिक गलत है, जैसे जादूगरी, लेकिन खुदावंद ने उनकी ज़िंदगी को तब्दील किया और फिर उसके बाद वो खिदमत में आए और इस वक्त वो डीकन मंशा कमाल हैं और उनकी खिदमत जो है वो ग्लोरियस चर्च प्रिंस ऑफ पीस मिनिस्ट्री यूहन्नाबाद में है। वो वहाँ पर अपनी बीवी और बच्चों के साथ बहुत ज़िम्मेदारी से अपनी खिदमत निभा रहे हैं। जब मेरी अपॉइंटमेंट अटारी चर्च में राइवन डायसिस की तरफ से हुई तो उस वक्त मैंने इनसे मुलाकात की और इनसे मुलाकात जो है वो बाकायदा प्लान के तहत नहीं थी, बल्कि खुद मंशा मसीह उस वक्त अपनी इस समझ के मुताबिक जो पुरानी समझ थी वो ये समझते थे कि जादूगरी भी खुदा का बनाया हुआ एक निज़ाम है, एक इल्म है, और बाइबल भी और चर्च भी जाना चाहिए, खुदा की तरफ से ही ये सारे इंतज़ाम हैं। तो इसी की वजह से वो अपने घर में बाइबल भी रखते थे और चर्च भी आए। और एक रोज़ जब वो चर्च में आए तो उस वक्त मैं बाइबल मुकद्दस में से इस्तिस्ना 18वां बाब और उसकी 9वीं आयत से 13वीं आयत तक का जो हिस्सा है वहाँ से खुदा का कलाम सुना रहा था। और इस हिस्से में ये बताया गया है बाइबल में कि जादूगरी जो है और जिन्नात के आशना जो हैं ये सब मकरूह लोग हैं और ये मकरूह हाथ बताया गया उनको। जिस चीज़ ने एक सवाल मंशा मसीह के जहन में उभारा कि ये जो कुछ मैं करता हूँ, मैं तो समझता हूँ कि ये खुदा की तरफ से इल्म है सारे, लेकिन बाइबल तो कह रही है कि ये मकरूहात हैं। और उन्होंने उस रूह को जो उनके पास हाजिरी दिया करती थी उससे ये सवाल किया, तो उस रूह ने इनको क्या जवाब दिया, हम इस वक्त उनकी अपनी ज़ुबानी सुनते हैं कि किस तरह से रूह ने उनसे बातें की और फिर उन्होंने मज़ीद इसमें स्टेप बाई स्टेप को किस तरह से आगे बढ़े। जी मंशा भाई, हमें ज़रा इस हवाले से, इस तजर्बे के हवाले से कुछ बताएं। जब मैं चर्च गया तो पास्टर साहब ये हवाला बयान कर रहे थे, इस्तिस्ना 18वां बाब और उसकी 9वीं आयत से उन्होंने शुरू किया। मैं वहाँ बड़े गौर से सुनने लगा। जब तू उस मुल्क में जो खुदावंद तेरा खुदा तुझको देता है पहुँच जाए तो वहाँ की कौमों की तरह मकरूह काम ना करना, तुझ में हरगिज़ कोई ऐसा ना हो जो अपने बेटे या बेटी को आग में चलवाए या फालगिर या शगुन निकालने वाला या अफजून गर या जादूगर या मंत्री या जनाद का आशना या रुमाल या सहर
हो, क्योंकि वो सब जो ऐसे काम करते हैं खुदावंद के नज़दीक मकरूह हैं, और इन ही मकरूहात के सबब से खुदावंद तेरा खुदा उनको तेरे सामने से निकालने पर है। तो खुदावंद अपने खुदा के हजूर कामिल रहना। जब ये हवाला मैंने सुना तो मेरे जहन में आया कि मैं तो एक रूह के साथ मेरा अच्छा ताल्लुक है, मैं उसके साथ रहता हूँ, वो मेरे अंदर आके मेरे साथ बातें करता है। तो ये जो बात कही गई है तो ये तो खुदा के कलाम के ख़िलाफ़ है। तो मैं ये बात सोच में मजबूर हो गया कि मैं देखूँ कि ये क्या मामला है। जब मैं घर गया, घर जा कर फिर मैंने दोबारा इस हवाले को पढ़ा, बार बार मैंने इस हवाले को पढ़ा, तो मेरा जहन जो है वो कुछ अपसेट हो गया कि मैं तो गलत राह पे जा रहा हूँ। असल हकीकत जो खुदा के कलाम में है, ये जो बात खुदा के कलाम में लिखी है कि ये जो फालगिर हैं, जादूगर हैं, ये सब खुदा के ख़िलाफ़ हैं, खुदा इन चीज़ों को पसंद नहीं करता। वो तो बल्कि जो मुल्क उसने कहा था कि मैं इसराइल को देने को हूँ और ये सब फालगिरों की वजह से नहीं, बल्कि फालगिरों को वहाँ से निकालने को, वो इनको सबको वहाँ से निकालेगा तो वो इसराइल को वो मुल्क देगा, क्योंकि ये सब लोग खुदा के ख़िलाफ़ हैं। फिर मेरा जहन इन फालगिरों से, इन चीज़ों से जो बुज़ुर्ग मेरे अंदर था, उसके लिए मैं कुछ कंफ्यूज हो गया कि मैं उनसे पूछूं कि क्या ये बात जो लिखी है ये सच है या क्या है, इसमें क्या बात है, आपका क्या काम है, ये क्या बात है। और उन्होंने मुझे, जब मुझ पर हाज़िरी हुई तो मैंने उनसे बात की और उन्होंने कहा ये जो है ये बुरी रूहों के लिए कहा गया है, मैं तो बुरी रूह नहीं हूँ, मैं तो आपके लिए जब आप मुझे बुलाते मैं आ जाता हूँ, जब आपको काम होता मैं आपके कामों काम आता हूँ, तो मैं ऐसा नहीं हूँ, ना आपको मैं गिरजे जाने से मना करता हूँ, ना उनके रस्मात में जाने से, कोई भी आप चर्च में जाएं अपने सारे काम करें, मैंने तो आपको कभी मना नहीं किया। लेकिन मैंने सोचा कि मैं मास्टर साहब से पूछूं कि क्या ये बात ठीक है या नहीं। फिर मैंने मास्टर साहब से बात की कि सर ये मसला है, आप मुझे बताएं कि वो रूह जो मेरे ऊपर है, जिसकी मैं चौकी देता हूँ, वो मुझे ये कहती है, तो आप मुझे जरा गाइड करें कि सही जो काम है वो मैं कैसे कर सकता हूँ। फिर उन्होंने मुझे एक हवाला दिया पास्टर साहब ने, उन्होंने कहा कि आप यूहन्ना का खत, पहला खत और उसका चौथा बाब, उसकी पहली चार आयात उन्होंने मुझे दी कि आप ये पढ़ें और फिर आप मुझे बताइएगा कि क्या वो रूह आपको क्या कहती है। ये लिखा है, ऐ अजीजो हर एक रूह का यकीन ना करो, बल्कि रूहों को आजमाओ कि वो खुदा की तरफ से हैं या नहीं, क्योंकि बहुत से झूठे नबी दुनिया में निकल खड़े हुए हैं। खुदा के रूह को तुम इस तरह पहचान सकते हो कि जो कोई रूह इकरार करे कि यीशु मसीह मुजस्सम होकर आया है और वो खुदा की तरफ से है, और जो कोई रूह यीशु का इकरार ना करे वो खुदा की तरफ से नहीं, और यही मुखालफ़े मसीह की रूह है जिसकी खबर तुम सुन चुके हो कि वो आने वाली है, बल्कि अब भी दुनिया में मौजूद है। ऐ बच्चों तुम खुदा से हो और उन पर गालिब आओगे, आ गए हो, क्योंकि जो तुम में है वो उससे बड़ा है जो दुनिया में है। जब मैंने ये बात उस रूह से की कि यीशु मसीह का आप इकरार करो कि खुदावंद यीशु मसीह मुजस्सम होकर दुनिया में आया है, उसने इस बात का इकरार नहीं किया और वो मुझसे अलग हो गई। उसके बाद मैंने उसे कहा कि अब मैं तेरा इकरार नहीं करूंगा, तुझे नहीं जानता, मैं तुझे इसलिए नहीं जानता कि तूने मसीह का इकरार नहीं किया, इसलिए तू
खुदा को जानने वाली या उसकी रूहों में से नहीं है, खुदा के लोगों में से नहीं है। जो खुदा का यीशु मसीह का इकरार करे वो रूह खुदा को जानने वाली है और खुदा की तरफ से है, और जो इकरार नहीं करती वो खुदा की तरफ से नहीं है। और मैं उस वक्त उन दिनों में चिराग जो होते हैं जो दिया कहते हैं वो जलाया करता था, तो मैंने कहा अगर आप मुझे ये जवाब नहीं देते इस बात का तो मैं आपका दिया फेंक रहा हूँ, मैं आपके साथ मेरा कोई तलक नहीं रहेगा। मैंने वो दिया उठाया और बाहर जाके दीवार के साथ मारा और तोड़ दिया। उस वक्त मेरी उसके बाद मेरी तबीयत खराब होगी, मुझे समझ आई कि फिर क्या हुआ। वो पाद साहब बताएंगे जो इन्होंने फिर दुआ की मेरे लिए। मेरे फिर बिल्कुल ये सच है कि जब इन्होंने वो चिराग तोड़ दिया तो उसके बाद ये कुछ नहीं जानते कि क्या हुआ, क्योंकि उस वक्त ये होश में नहीं थे। लेकिन लोग जो मैंने देखा वो ये था कि तीन चार लड़कों ने इनको पकड़ा हुआ था और ये उनको चर्च में लेकर आए, और चर्च में जब वो लाए तो ये ऐसी हालत में थे कि जैसे पागलपन होता है, और अपने कपड़े फाड़े हुए थे, उन नौजवानों की हालत भी ख़राब थी और वो उनके कपड़े भी जैसे फटे हुए थे। लेकिन ये है कि वो चाहते थे कि मैं आगे आऊं और आकर बाइबल सर पर रख कर मैं दुआ करूं। तो मैंने उनसे कहा कि नहीं, आप इनको चर्च में आने दें और आप चर्च के दरवाज़े पर खड़े रहें ताकि ये बाहर ना जाएं, और इनको चर्च में आने के लिए छोड़ दें। लेकिन जब वो चर्च में उन्होंने इनको छोड़ा, वो छोटा सा चर्च था, पुराना अटारी का चर्च, अटारी गांव जो यूहन्नाबाद के करीब है, उस चर्च में ये आगे आए मेरी तरफ। और जब ये मेरी तरफ आ रहे थे तो इनका कुछ अंदाज ऐसा था जैसे वो मुझ पर हमला करेंगे। लेकिन जैसे जैसे वो आगे बढ़ रहे थे वो नीचे होते जा रहे थे, और फिर जब कुछ कदम आगे आए तो उसके बाद एक ऐसा अजीब काम उन्होंने किया कि ये ऊपर हवा में उछल गए और हवा में तकरीबन चार कलाबाजियां खाई, और उसके बाद फिर बिल्कुल सीधे ज़मीन पर खड़े हो गए। और फिर इन्होंने मेरी तरफ देखा जैसे मुझे डराने की कोशिश करते, हमला करने की कोशिश में थे। और फिर ये जैसे जैसे आगे बढ़ते गए तो बिल्कुल नीचे होते गए। जब मेरे पास पहुँचे, मेरे पाँव के पास, तो ये बिल्कुल ज़मीन के साथ लगे हुए थे। और इन्होंने, मैंने जो चोगा पहना हुआ था उस चोगे का किनारा पकड़ने की कोशिश की, उसे खींचने की भी कोशिश की, और उसके साथ साथ वो रस्सा जो बंधा होता है उसको भी खींचने की कोशिश की। लेकिन मैंने देखा कि उनके अंदर कुवत नहीं है, और अब वो उनका ज़ोर जो है वो कुवत वो सारी चली गई है। फिर मैंने बैठकर उनके सर पर बाइबल रखी और दुआ की, और वो बहुत ज़ोर से चीख मारकर बेहोश हो गए। उसके बाद मैंने उनके साथ आए हुए लड़कों से कहा कि इनको घर ले जाएं, इनको पानी पिलाएं और मैं थोड़ी देर में आता हूँ। जब मैं वापस घर गया तो मैंने मंशा मसीह को बिल्कुल ठीक हालत में बैठे देखा, और इनसे पूछा तो इन्होंने कहा कि मैं अब बिल्कुल ठीक हूँ और वो बुरी रूह जो है वो चली गई है, मैं आज़ाद हो गया। तो हम सब ने खुशी मनाई, और मैंने इनके कान में बालियाँ देखी सोने की जो रिंग से थे, और वो मैंने पूछा तो इन्होंने कहा कि ये उसकी तरफ से एक निशान के तौर पर है। तो मैंने कहा कि इनको उतारना चाहिए, तो इन्होंने कहा कि वो खुल नहीं सकते, उनको उतारा नहीं जा सकता। तो फिर ये चूँकि साथ साथ इलेक्ट्रिशियन का काम भी जानते थे, मैंने इनको कहा कि अपना प्लास लाओ और अभी इसको काटे। तो फिर वो बालियाँ हमने वो काट कर उतार दी, और इस तरह से उस वक्त से लेकर आज तक मंशा मसीह जो हैं वो उससे बिल्कुल आज़ाद रहे, और चर्च में बहुत सरगर्मी से इन्होंने काम किया। यानी
चर्च में क्यारियां बनाई, सड़क बनाई, जो बिल्कुल कच्चा फर्श था तो उसके अंदर ईंटों की एक रास्ता बनाया जो मेन दरवाजे से अंदर चर्च तक आता था। फूल लगाए, फंड रेज करके पंखे लगाए और बहुत सा काम किया, यानी चर्च अंदर से बहुत नीट बना दिया। तो इनकी ये खिदमत देखकर मैंने कहा कि ये असल में खुदा का कमाल है। तो उस वक्त से इनके नाम के साथ कमाल भी लग गया और ये मंशा मसीह से मंशा कमाल बन गए। और फिर इन्होंने बहुत देर तक, जब तक मैं वहाँ रहा, बहुत खिदमत की और उसके बाद भी ये खिदमत से जुड़े रहे। खुदाबंद का शुक्र हो इस अच्छी गवाही के लिए। अगर कुछ मज़ीद आप कहना चाहें तो ये उस वक्त से खुदा ने मुझे ऐसा पकड़ा है कि अब कोई शैतान मुझे छू नहीं सकता, कोई कुव्वत उसकी मुझे छू नहीं सकती। और मैं खुदा उनका शुक्रगुजार हूँ, उसने मुझे भी, मेरी वाइफ को, मेरे बच्चों को भी खिदमत में लगाया हुआ है। मैं उसका बहुत शुक्रगुजार हूँ। हमें खुदा ने अब उस इबलीस के चुंगल से निकाल के और अपने लहू की लपेट में रखा है। अब हम खुश हैं और बड़ी तरक्की हमने की है। मैं बहुत मुश्किल में था, बहुत गरीब थे हम पहले, अब खुदा उनके शुक्र है सब कुछ है, घर भी अपना है और हमें खिदमत का जो काम मिला ना, ये सबसे अच्छी बात। खुदा ने हमें चुना है, हम खिदमत कर रहे हैं और खुदाबंद हमें इस्तेमाल करता है, बड़े मौजज़ात करता है, उसकी शुक्रगुजारी करते हैं। थैंक यू। ये खूबसूरत गवाही जो अभी हम सब ने सुनी, हमने चाहा कि वो सब लोगों तक पहुँचे जो इस वक्त अभी अपने इब्तदाई मराहिल में हैं और मसीह से वाकिफ़ हो रहे हैं, अभी नए हैं मसीह में। हम चाहते हैं कि ऐसी गवाहियाँ उन सब के सामने लाई जाएं ताकि वो मसीह में मजबूत हो सके। थैंक यू, लॉन्ग वेलकम। थैंक यू, गॉड ब्लेस यू ऑल। PJEFC की उर्दू सर्विस की जानिब से मुबशर इंजील दाऊद शम्स आपकी खिदमत में हाजिर हैं और सलाम पेश करते हैं। और हम शुक्रगुजार हैं कि खुदावंद ने यह खूबसूरत मौका हमें फ्राहम किया है कि हम खुदा के कलाम पर निगाह कर सकें। सो आइए मेरे साथ चंद आयात देखेंगे जिसमें से हम नेमिया के कैरेक्टर के ताल्लुक से आज सीखेंगे। सो आइए किताबी मुकद्दस खोलें, नेमिया की किताब उसका पहला बाब और उसकी पहली आयत से चौथी आयत तक हम पढ़ेंगे। खुदा उनके ज़िंदा कलाम में यूं मरकूम है, नेमिया बिन हकलिया का कलाम। 20वें बरस किसलियों के महीने में जब मैं कसरे सोसन में था तो ऐसा हुआ कि हनानी जो मेरे भाइयों में से एक है और चंद आदमी यहूदा से आए और मैंने उनसे उन यहूदियों के बारे में जो बच निकले थे और असीरों में से बाकी रहे थे और यरूशलेम के बारे में पूछा। उन्होंने मुझसे कहा कि वो बाकी लोग जो असीरी से छूटकर उस सूबे में रहते हैं नहायत मुसीबत और ज़िल्लत में पड़े हैं और यरूशलेम की फसील टूटी हुई और उसके फाटक आग से जले हुए हैं। जब मैंने ये बातें सुनी तो बैठकर रोने लगा और कई दिनों तक मातम करता रहा और रोज़ा रखा और आसमान के खुदा की हुजूर दुआ की। किताब मुकद्दस का पढ़ा और सुना जाना हमारे लिए बरकत का बाइस ठहरे, आमीन। मेरे अजीज़ों, मैं शख्सी तौर पे इस बात की गवाही देना चाहता हूँ कि नेमिया के ताल्लुक से जब भी मैं नेमिया के किरदार पर गौर करता हूँ, नेमिया की किताब को पढ़ता हूँ, तो नेमिया मेरे लिए हमेशा एक चैलेंज बनकर सामने आता है। और जब मैं नेमिया की ज़िंदगी के ताल्लुक से, उसके सोशल स्टेटस के ताल्लुक से और उसके असीरी के ताल्लुक से
और फिर उसकी खुदा परस्ती के ताल्लुक से और फिर खुदा के लोगों के साथ और खुदा के घर और खुदा के शहर के हवाले से उसकी जब मैं हमदर्दी देखता हूँ, उसका कंसर्न देखता हूँ, उसकी फीलिंग्स और उसके इमोशंस को देखता हूँ, तो ये सारी चीज़ें मेरे लिए ज़बरदस्त चैलेंज बन जाती हैं और मेरे लिए मोटिवेशन का बायस बनती हैं। पहली बात अजीज़ो नेमिया के ताल्लुक से सीखने वाली ये है कि नेमिया का मतलब है खुदा ने तसल्ली दी है। दूसरी बात, नेमिया बाबल की असीरी में पैदा हुआ, वहीं पर इसने परवरिश पाई और गैर कौम के माहौल में पला बढ़ा, लेकिन इसके बावजूद जो तालीम इसने अपने घर वालों से या अपने हम अकीदा लोगों से पाई, उस ताल्लुक से हम इसको एक खुदा परस्त और कौम परस्त शख्स के तौर पर भी देखते हैं। और यहाँ इस बात का ज़िक्र करना मैं बहुत ही ज़रूरी समझता हूँ अजीज़ो, कि अगर हम नेमिया के सोशल स्टेटस पर बात करें तो वो बादशाह का साकी था। अगर हम पहले बाब की 11वीं आयत का आखिरी हिस्सा देखें तो विद इन ब्रैकेट उर्दू बाइबल में लिखा है, मैं तो बादशाह का साकी था, कप बेयरर, बादशाह को शराब का प्याला पेश करने वाला। और ये भी कि पहले वो इसको टेस्ट करता था, चखता था कि इसमें कोई ऐसी चीज़ तो नहीं टेस्ट के लिहाज से या तासीर के लिहाज से जो बादशाह को नागवार गुज़रे। सो ये शख्स बादशाह का साकी है। और अगर हम इस पर गौर करना शुरू करें कि ये बादशाह का साकी है तो ये बादशाह के बहुत करीब था। और मुफस्सरीन इसके ताल्लुक से बयान करते हैं कि ये अपने जॉब के लिहाज से तो साकी था, लेकिन बादशाह के साथ इसके ताल्लुकात बड़े खुशगवार थे। बादशाह बड़े दोस्ताना माहौल में इससे बात करता था और बादशाह इससे खुश था मजमूई तौर पे। सो ये चीज़ एक ज़बरदस्त चैलेंज बनकर हमारे सामने आती है कि एक ऐसा शख्स जिसने असीरी में आँख खोली है, असीरी में परवरिश पाई है, उसने अपने मज़हब की तालीम ज़रूर पाई है, लेकिन माहौल ऐसा है कि हर तरफ गैर कौम के लोग हैं, लेकिन जब हनानी लिखा है दूसरी आयत में, जो मेरे भाइयों में से एक है और चंद आदमी यहूदा से आए और मैंने उनसे उन यहूदियों के बारे में जो बच निकले थे और असीरों में से बाकी रहे थे और यरूशलेम के बारे में पूछा। और फिर आगे लिखा है कि जो लोग उसको बताया गया कि जो लोग असीरी से छूट कर उस सूबे में रहते हैं बड़ी मुसीबत की हालत में हैं, बड़ी ज़िल्लत उठा रहे हैं, और यरूशलेम की जो प्रोटेक्टिव वॉल है, जो फसील है, जो हिफाजती दीवार है, वो टूटी हुई है और उसके फाटक आग से जले हुए हैं। ये रिपोर्ट जब इस शख्स तक पहुंचती है तो इसका रिएक्शन जो है, इसका रद्द अमल जो है, वो आज के मसीहियों के लिए, मेरे और आपके लिए भी एक ज़बरदस्त चैलेंज बन जाता है। लिखा है, जब मैंने ये बातें सुनी तो बैठकर रोने लगा और कई दिनों तक मातम करता रहा और रोज़ा रखा और आसमान के खुदा की हुजूर दुआ की। ज़रा गौर कीजिए इस शख्स के कंसर्न के साथ, इसकी फ़िक्रमंदी, इसकी कौम परस्ती,
अपने लोगों के लिए इसका दिल धड़कता है, वो हमदर्दी रखता है। अगर हम उसके सोशल स्टेटस पर निगाह करें तो वो बादशाह के सामने जाने वाला शख्स है, बादशाह को शराब पेश करने वाला शख्स है, यकीनन बेहतरीन लिबास वो जेब तन करता होगा, उसकी रिहाइशगाह बड़ी अच्छी होगी, उसको सहूलियात बहुत अच्छी मिलती होंगी। लेकिन उसकी कौम परस्ती ये है कि जब वो अपने लोगों के ताल्लुक से और खुदा के शहर के ताल्लुक से और यरूशलेम की हालत के ताल्लुक से सुनता है कि लोग मुसीबत और ज़िल्लत में हैं और यरूशलेम के फाटक जले हुए हैं और फसील जो है वो टूटी हुई है, तो वो ज़मीन पर बैठकर रोने लगता है। और मुफस्सरीन ये बयान करते हैं कि वो किसी एक दिन तक इस हालत में नहीं रहा, बल्कि वो 4 माह तक मातम करता रहा, 4 माह तक रोज़े की हालत में रहा, दुआ करता रहा। और इसको मैं समझता हूँ कि उसने अपनी रूहानी तैयारी की। उससे आगे भी जब हम देखते हैं 5वीं आयत से लेके 11वीं आयत तक, तो इसमें वो एक ऐसी तस्वीर हमारे सामने पेश करता है तौबा की, वो ज़ाती तौर पे, शख्सी और इज्तमाई तौबा की एक तस्वीर है। वो कहता है जो गुनाह मैंने किए हैं, जो मेरे बाप दादा ने किए हैं, जो बड़ों ने किए हैं, उन तमाम तकसीरों, ख़ताओं और गुनाहों की वो खुदा के हुजूर में मुआफ़ी मांगता है। फिर हम ये देखते हैं कि वो एक अलर्ट शख्स है, एक होशियार शख्स है, एक बेदार मगज़ शख्स है। वो खुदा को वादे भी याद दिलाता है। 8वीं आयत में लिखा है, मैं तेरी मिन्नत करता हूँ कि अपने उस कौल को याद कर जो तूने अपने बंदे मूसा को फरमाया कि अगर तुम नाफरमानी करो तो मैं तुमको कौमों में तितर बितर करूँगा, पर अगर तुम मेरी तरफ फिर कर मेरे हुक्मों को मानो और उन पर अमल करो तो गो तुम्हारे आवारा गर्द आसमान के किनारों पर भी हों, मैं उनको वहाँ से इकट्ठा करके उस मुकाम में पहुँचाऊँगा जिसे मैंने चुन लिया है ताकि अपना नाम वहाँ रखूँ। शख्सी तौबा और बाप दादा की तकसीरों और ख़ताओं की तौबा के साथ साथ वो खुदा को ये याद भी दिलाता है कि तूने हमारे लीडर, तूने हमारे बुज़ुर्ग मूसा से ये वादा किया था कि अगर तुम नाफरमानी करोगे तो तितर बितर किए जाओगे, लेकिन अगर तौबा करोगे तो वापस भी लाऊंगा, इकट्ठा करूंगा। तूने ये वादा किया था कि तू अपना नाम कायम रखेगा। ज़रा देखिए कि उसकी स्पिरिचुअल प्रेपरेशन कैसी है। और एंड पे जो वो फरियाद करता है, वो कहता है 11वीं आयत में, ऐ खुदावंद, मैं तेरी मिन्नत करता हूँ कि अपने बंदे की दुआ पर और अपने बंदों की दुआ पर जो तेरे नाम से डरना पसंद करते हैं कान लगा, और आज मैं तेरी मिन्नत करता हूँ अपने बंदे को कामयाब कर और उस शख्स के सामने उस पर फजल कर। अब सारे हालात सुनने के बाद ज़मीन पर बैठकर रोने, मातम करने, रोज़ा रखने, दुआ करने,
गुनाहों का इकरार करने, बुज़ुर्गों के गुनाहों का इकरार भी करने, खुदा को उसके वादे याद दिलाने के बाद दरख्वास्त वो ये रख रहा है कि तू मुझ पर फजल कर और मुझे मेरे मंसूबे में कामयाब कर। और मंसूबा उसका क्या था कि वो उस जगह पर जाए जहाँ बाप दादा की कब्रें हैं, जो बाप दादा का शहर है, जो खुदा का शहर है, जिसकी फसील टूटी हुई है, जिसके फाटक जले हुए हैं, वो वहाँ जाए और बहाली का काम करे, असर नौ तामीर करे। और जब चार माह की ज़बरदस्त रूहानी तरक्की, रूहानी तैयारी के साथ ये शख्स बादशाह के सामने जाता है, तो मैं इसको इस तरह से इंटरप्रेट करता हूँ कि उसके चेहरे की उदासी ऐसी थी गोया उसकी दरख्वास्त उसके चेहरे पर लिखी हुई थी। और बादशाह ने उसका चेहरा पढ़ा और बादशाह ने कहा कि तेरा चेहरा क्यों उदास है बावजूद कि तू बीमार नहीं है, बस ये दिल के गम के सिवा और कुछ ना होगा। अजीजो, इससे पेशतर कि नेमिया बादशाह के सामने अपनी दरख्वास्त रखता, खुदा ने आज खुद बादशाह को तैयार कर दिया कि वो गुफ्तगू का आगाज़ करे और वो वजह पूछे कि वो उदास क्यों है। और जब उसने वजह पूछी तो फिर यहाँ पे लिखा है, तब मैं बहुत डर गया और मैंने बादशाह से कहा कि बादशाह हमेशा जीता रहे, मेरा चेहरा उदास क्यों ना हो, जबकि वो शहर जहाँ मेरे बाप दादा की कब्रें हैं उजाड़ पड़ा है और उसके फाटक आग से जले हुए हैं। बादशाह ने मुझसे फरमाया, किस बात के लिए तेरी दरख्वास्त है? तब मैंने आसमान के खुदा से दुआ की। जब बादशाह ने उदासी का सबब पूछा और नेमिया ने बयान किया और फिर बादशाह ने ये पूछना चाहा कि अब तेरी दरख्वास्त क्या है, मतलब तू चाहता क्या है, मैं क्या तेरे लिए करूं, तो लिखा है, तब मैंने आसमान के खुदा से दुआ की। मैं इसको इस तरह से बयान करता हूँ, ही वॉज एंकर्ड अपवर्ड, उसका रابطہ आसमान के खुदा से जुड़ा हुआ था। उसने बादशाह के सामने खड़े खड़े भी अंदर खुदा से दुआ की। और इसके बाद आगे जो कुछ उसके साथ हुआ, यकीन कीजिए कि नेमिया ने कभी ऐसा सोचा भी नहीं होगा। बादशाह ने ना सिर्फ उसको इजाज़त दी, उसको गार्ड भी दिए, मुहाफिज भी दिए, बंदे भी दिए, कारीगर भी दिए, इजाज़त नामा के परवाने भी दिए उसको कि रास्ते में अगर कोई रुकावट हो तो ये इजाज़त नामा दिखा दिया जाए, और फिर कारीगर भी भेजे जो शायद नेमिया एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था। हम अक्सर एक कोरस गाते हैं इंग्लिश में, व्हाट अ माइटी गॉड वी सर्व, हम किस कदर अजीम और कादिर खुदा की परस्तिश और इबादत करते हैं, जो हमारी तवक्कुआत से कहीं बढ़ के काम करता है। नेमिया ने तो सिर्फ इजाज़त चाही होगी, लेकिन बादशाह ने तो उसको ना सिर्फ इजाज़त दी बल्कि रास्ते की रुकावटें दूर करने के लिए परवाने भी जारी किए, इजाज़तनामे भी दिए, गार्ड भी दिए, आदमी भी दिए, कारीगर भी दिए, साजो सामान भी दिया, जो शायद नेमिया ने कभी तवक्को ना की होगी। सो हमारा खुदा हमारी तवक्कुआत से कहीं बढ़कर काम करता है।
इसलिए हम गाते हैं व्हाट अ माइटी गॉड वी सर्व। जो चीज़ हमें झंझोड़ती है, मुझे झंझोड़ती है, मुझे मोटिवेट करती है, हमारे लिए जो चैलेंज आज बन गई है, वो नेमिया के किरदार में उसका रिएक्शन है ये सुनकर कि खुदा के शहर की हालत कैसी है, खुदा के घर की हालत कैसी है, खुदा के लोगों की हालत कैसी है। वो ज़मीन पर बैठकर रोने लगा और 4 माह तक मातम की हालत में रहा। वो तैयारी करता रहा, उसने इनफरादी तौर पर भी और इज्तमाई तौर पर भी तौबा की और फिर दरख्वास्त खुदा से की, मुझे बादशाह की नज़र में सरफराज कर, कामयाबी बख्श। और मेरे अजीज़ो, ये चीज़ आज हमारे लिए ज़बरदस्त अहमियत की हामिल है। ये तो ज़मीन पर बैठ के रोने लगा, हम तो पता नहीं ज़िंदगियों की बर्बादी के ताल्लुक से और ख़ुदा के लोगों के साथ होने वाले सलूक के ताल्लुक से कैसी कैसी इंदोहनाक और लर्जा खेज बातें सुनते हैं। तो कितने हैं, ज़रा ऑनेस्टली अपने आप से पूछें, कितने हैं जिनकी आंखों में आंसू आ जाते हैं, कितने हैं जो आंसुओं के साथ ऐसे लोगों के लिए दुआ करते हैं, कितने हैं जो उनकी मदद के लिए सोचते हैं कि वो किस तरह से बढ़ें और ऐसे लोगों की मदद करें। गैर कौम में पलने बढ़ने वाला शख्स कौम परस्त है, खुदा परस्त है और उसका किरदार हमारे लिए एक चैलेंज है। आइए नेमिया के किरदार से कुछ सीखें। शुरू में मैंने बताया नेमिया का मतलब है खुदा ने तसल्ली दी है, गोया जैसे ही लोगों की मुसीबत और ज़िल्लत और यरूशलेम की तबाही बर्बादी और फसील के टूटे होने और फाटकों के जले होने की खबर उस तक पहुंचती है तो वो भूल जाता है कि मेरा स्टेटस क्या है, मेरा मियार क्या है। वो खुदा के काम के लिए ज़मीन पर बैठ जाता है, वो खुदा के लोगों के लिए ज़मीन पर आ जाता है, उसकी आँखों से आंसू जारी हो जाते हैं। आखिरी बात करके क्लोज करेंगे कि इससे पेशतर कि हम कौम की तामीर और तरक्की के ताल्लुक से सोचें और कौम परस्त बने और कौम की बेहतरी के लिए कोई प्लान करें, पहले हमें ये भी देखने की ज़रूरत है कि जो हमारी अपनी जिस्मानी साख्त के मुताबिक 2 गेटवेज हैं जिसके ज़रिए दुनिया की चीज़ें हमारे अंदर आती हैं और तबाही या बर्बादी का सबब बनती हैं, क्या उनकी मरम्मत हमने कर ली है। जी, मेरी मुराद है कान और आँख, आँखों के ज़रिए और कानों के ज़रिए जो दुनियावी नॉलेज हमारे अंदर आ रहा है नेगेटिव, क्या हमने इन दरवाज़ों की मरम्मत कर ली है। क्या ये दरवाज़े ठीक वक्त पे खुलते और बंद होते हैं या हर चीज़ के लिए खुले होते हैं, ये भी एक सवाल है कि क्या हमारी आँखें हमारे कान हर तरह की बात के लिए, चाहे वो हमारे अंदर बर्बादी का सबब बने, हमें अंदर से राख कर दे, क्या ऐसे वक्त भी ये फाटक खुलते हैं या रास्ते की बातों के लिए खुले होते हैं। पहले शख्सी तज़िया, उसके बाद कौम की तरफ आने की ज़रूरत है। अगर मैंने अपने आप को महफूज रखा है तो फिर मैं दूसरों को भी
महफूज रखने के ताल्लुक से प्लान कर सकता हूँ, लेकिन अगर मैं ख़ुद ही किसी मुसीबत में पड़ा हूँ और ख़ुद ही मैं दुनियादारी की ज़द में हूँ, तो मैं क्यों कर अपनी कौम के लिए अच्छा या बेहतर सोच सकता हूँ। सुने मियाँ, हर एतबार से हमारे लिए चैलेंज है। और जैसे ही इसको ये ख़बर पहुँची थी, तो जो इसके नाम का मतलब था, खुदा ने तसल्ली दे दी है, तो बाद में जो कुछ हुआ उससे पता चला कि तसल्ली नहीं दी, खुदा ने असर नौ तामीर कर दिया। कैसा खूबसूरत मतलब है। और अपने नाम के मतलब के मुताबिक इस शख्स ने अमल किया है। खुदा मुझे और आपको नेमिया के किरदार से सीखने और चैलेंज लेने की तौफीक अता फरमाए। आमीन। हम खुदाबंद का शुक्र करते हैं आज की सारी इबादत के लिए, और बिलखसूस खुदा के ज़िंदगी बख्श कलाम के लिए जो हम मुबशर दाऊद शम्स के ज़रिए से सुन सके। हम खुदा का शुक्र करते हैं उनकी सारी शेयरिंग के लिए। अब वक्त है कि हम लोग अपने सरों को झुकाएं और खुदाबंद से दुआ करें। बैरोबर के खालिक और मालिक मसीह यीशु में हमारे प्यारे और जिंदा आसमानी बाप, हम दिल की गहराइयों से तेरा शुक्र अदा करते हैं आज की सारी इबादत के लिए, इस सारे वक्त के लिए जो खुदावंद तूने हमें बख्शा। खुदावंद दुआ करते हैं कि खुदावंद तेरे कलाम का ये बीज जो हमारी जिंदगियों में बड़ी खूबसूरती के साथ बोया गया है, खुदावंद वो 100 गुना फल लेकर आए। अपने बंदा को, उनकी उसकी फैमिली को खुदावंद तू बेहद बरकत से नवाज, और खुदावंद अपने नाम की खातिर और भी इस्तेमाल कर खुदावंद। और दुआ करते हैं प्यारे बाप कि तेरा कलाम जहाँ जहाँ खुदावंद इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स के जरिए पहुँचता है, तेरे लोगों को एक नई उम्मीद और खुदावंद तेरी खुशखबरी का पैगाम पहुंचता रहे। खुदावंद हम सबों की मदद कर, तमाम एडिटिंग टीम के लिए, उन तमाम लोगों के लिए जो बिहाइंड द सीन्स काम करते हैं, खुदावंद तेरी खास बरकत
खुदावंद उन तमाम लोगों के लिए होती रहे। खुदावंद हमारी इस दुआ को सुन और कबूल फरमा और बख्श दे खुदावंद के आने वाले सारे वीक के अंदर तू हमारी मदद और हमारी रहनुमाई करता रहे। खुदावंद मेरी इस दुआ को सुन और कबूल फरमा। मैं ये सब कुछ तेरे प्यारे बेटे हमारे मुनजी खुदावंद यीशु मसीह के वसीला से मांगता और पा लेता हूँ, आमीन। अजीजों आए हम लोग खुदावंद की सिखाई हुई दुआ में शरीक हों। आए हमारे बाप तू जो आसमान पर है, तेरा नाम पाक माना जाए, तेरी बादशाही आए, तेरी मर्जी जैसी आसमान पर पूरी होती है जमीन पर भी हो। हमारी रोज की रोटी आज हमें बख्श दे और जिस तरह हम अपने कसूरवारों को माफ करते हैं तू भी हमारे कसूर हमें माफ कर। हमें आजमाइश में ना पड़ने दे बल्कि बुराई से बचा, क्योंकि बादशाही कुदरत और जलाल हमेशा तक तेरे ही हैं, आमीन। अब हमारे खुदावंद यीशु मसीह का फजल और खुदा बाप की मोहब्बत और पाक रूह की रफाकत और शराकत तुम सबों के साथ और कुल ईमानदारों के साथ अब से लेकर हमेशा तक होती रहे, आमीन। खुदा बाप, खुदा बेटे और खुदा रूह अल कुदस के नाम में, आमीन। गॉड ब्लेस यू। इबादत हो चुकी, सलामती से रुखसत हो।